नमस्कार दोस्तों, मैं देवमणि तिवारी चंदन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब लाइव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं मंडी परिषद परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हिंदी के प्रश्नों को के विषय के लिए। दोस्तों, हिंदी जैसा कि आपने देखा होगा अपने परीक्षा का सिलेबस बहुत ही विशद और थोड़ा जटिल पेपर आपका सिलेबस है। ये नहीं कहा जा सकता कि कठिन है, पर बहुत ही जटिल और थोड़ा विशद है। ऐसे उसने बहुत सारे टॉपिक्स लिए हैं जो कि एक दिवसीय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे सामान्य रूप से, और आपके समक्ष प्रश्नों को किस तरह से हल किया जा सके, सरलतम से सरलतम माध्यम से, सरल से सरल माध्यम से, आप किस तरह से प्रश्नों को आसानी से पहचान सके, उनके उत्तरों तक पहुंच सके, विकल्पों का चयन कर सके, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। तो महज विषय का ज्ञान होना एक अलग बात होती है, और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करना एक अलग बात होती है। हाँ, कभी कभी हम किसी विषय पर एक अत्यधिक पारंगत होते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से उसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की जो विधा होती है, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। प्रियंका वासवी जी का प्रश्न है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, सर कौन सा टॉपिक लेंगे आज? मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? हिंदी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हिंदी में जो टॉपिक मैं लूंगा और वह है आज वाच। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के समक्ष, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखेंगे वाच। हाँ, आज वाच पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में से ये टॉपिक क्यों लिया। दोस्तों, ये सब टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसमें से कि थोड़ा सा अगर हम ध्यान दिया जाए तो बहुत, क्योंकि संधि है, समास है, वर्ण विच्छेद है, टॉपिक सरल है, आपने बहुत सारे बार इनको पढ़ा होगा, लेकिन आज इस टॉपिक को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ, इस पर हम लोग ध्यान कम देते हैं और इसके जो प्रश्न आते हैं तो हम गड़बड़ कर बैठते हैं। तो हम गड़बड़ ना करें, इसलिए मैं इसको शुरुआत में ही लिया कि आप शुरुआत में ही देखो कैसे वाच्य को आप पहचानेंगे, कैसे आप परिवर्तित करेंगे किसी सेंटेंस को, और इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, वाच्य में जो प्रश्न आते हैं कैसे आते हैं, सीधे इस विषय पे आते हैं, सीधे विषय पे आते हैं, वाच्य पे प्रश्न कैसे आते हैं। वाच्य पे आपका जो प्रश्न आता है, पहला तो सीधे होता है, एक शब्द दिया रहता है कि, ठीक है, सीधे वाक्य रहेगा, वाक्य में मान लीजिए लिखा उसने कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, और इसमें फिर सीधे रहेगा नंबर एक कर्तृवाच, नंबर दो कर्मवाच, ठीक है, नंबर तीन भाववाच और नंबर चार कोई नहीं। इस तरह से आपके समक्ष विकल्प वो पूछता है, ठीक है। अब आपको पहचानना होता है कि जो ये वाक्य है, यह कर्तृवाच्य में दिया हुआ है कि कर्मवाच्य में है कि भाववाच्य में, दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। आइए अब सीधे मैं आपको विषय पर लेकर के चलता हूं, विषयों के बिंदुओं पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाच्य है क्या। हाँ, सही जवाब दिया विनोद जी ने, यहां पर कर्तृवाच्य है। यह वाक्य कैसा है? कर्तृवाच्य का, नहीं नहीं कर्मवाच्य का नहीं, कर्तृवाच्य का वाक्य। नंद जी, यह कर्तृवाच्य का वाक्य, कर्मवाच्य का नहीं। तो
अब हम कैसे पहचानेंगे, ये तो हमारा तीसरा बिंदु होगा, लेकिन प्रथम दृष्टिया हम यह देखेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं, वो क्या है जिस कारण से हम वाक्यों को वाक्य ना कह करके वाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं दो वाला नहीं सही, कर्तृवाच्य सही है क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार है, पढ़ता है, आप देख रहे हैं क्रिया क्या है, पढ़ता है, और यहां पर राम शब्द क्या है, पुल्लिंग का है, और पुस्तक शब्द आपका स्त्रीलिंग का है, और वाच्य का तात्पर्य भी यही होता है कि हाँ मैं वो चीज आपको बताता हूं, बहुत ही आसान तरीके से आप पहचानेंगे, एकदम ट्रिक है, एकदम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, क्रिया का कथन जिसके लिए होता है उसी के अनुसार से वाक्य का निर्माण हो जाता है, अगर क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो वह कर्तृवाच्य हो जाता है, और अगर क्रिया आपकी कर्म के अनुसार आती है तब वह आपका कर्मवाच्य होता है। हमेशा एक चीज और ध्यान में रखना दोस्तों कि जब आप कर्मवाच्य का वाक्य देखेंगे तो कर्ता हमेशा करण कारक में चला जाता है, अगर वाक्य क्या है कर्मवाच्य का है तो कर्ता सदैव करण कारक में चला जाता है, और जब वो करण कारक में जाएगा तो उसके साथ सदैव करण कारक का परसर्ग लगा होगा, और आपको पता होगा कि करण कारक का परसर्ग क्या है, करण कारक का परसर्ग क्या है दोस्तों, करण कारक का परसर्ग है से या के द्वारा, से या के द्वारा आपका करण कारक का परसर्ग है। ठीक है, तो अब यहां पर राम में से या के द्वारा लगा नहीं है तो करण कारक है नहीं, पहले पहचान तो यही हो जाती है कि करण कारक नहीं है। दूसरा आपने देखा कि यहां पर दो शब्द हैं पुस्तक और राम, पुस्तक यहां पर स्त्रीलिंग का शब्द है, राम यहां पुल्लिंग का शब्द है, क्रिया पुल्लिंग के अनुसार आई है, राम पुल्लिंग का है और कर्ता है, अतः यहां पर क्या हो जाएगा कर्तृवाच हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कर्तृवाच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान पे रखनी है दोस्तों कि आप कैसे पहचानेंगे। आइए मैं सीधे एक क्रम से पहचान, पहले मैं वाच्य की परिभाषा, फिर वाच्य के बाद जो व्यवस्था थी उसकी उनके भेद, और फिर आप पहचानेंगे कैसे, वो सीधे चर्चा पर हम आते हैं दोस्तों। ऐसे सकर्मक अकर्मक को पहचानना भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान, एक बिंदु रखिए, वाक्य का प्रयोग करिए, शब्द का प्रयोग करिए, तुरंत पहचानिए कि सकर्मक ही कर्मक, एक सेकंड नहीं लगता है आपको कर्मों को पहचानने में, सकर्मक या अकर्मक को पहचानने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगता, फटाफट चुटकियों में आप चीजों को पहचानते हैं। ठीक है, आइए सीधे हम चलते हैं वाच्य पर। वाच्य किसे कहते हैं दोस्तों, क्रिया का कथन जिसके लिए होता है, क्रिया का कथन जिसके लिए होता है वह क्या कहलाती है, वाच्य कहलाता है। अगर क्रिया का कथन कर्ता के अनुसार हो रहा है तो क्रिया कर्तृवाच्य हो जाती है, अगर क्रिया कर्म के अनुसार कथन हो रहा है तो क्रिया कर्मवाच्य वाक्य हो जाता है, और अगर क्रिया भाव के अनुसार आ जाए तब वहां पर भाववाच्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, शब्द पहले हम देखेंगे, वाक्य का शाब्दिक अर्थ है कथन। ठीक है, वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, कथन, किसका कथन, किसके द्वारा, किसके लिए। ठीक है, किसका कथन, क्रिया का कथन, क्रिया का कथन। ठीक है, जिसके लिए होगा उसी के अनुसार से उस वाक्य का वाच्य हो जाएगा। ठीक है, क्रिया का कथन जिसके लिए होगा उसी के अनुसार से उसका वाच्य हो जाएगा। अगर क्रिया का कथन क्या हो, कर्ता के अनुसार आए, क्रिया का कथन किसके लिए आए, कर्ता के अनुसार आए, तब वह वाक्य क्या होगा दोस्तों, कर्तृवाच्य होगा, तब वह क्या होगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। और क्रिया का कथन अगर वाक्य में दिए हुए कर्म के अनुसार आ जाए तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही क्रिया का कथन भाव के अनुसार आए तब वही क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा। ठीक, हाँ ये चीज आप, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि वाच्य, हमारे हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, कथन, और इसका
इसका इसे कहते कैसे, मतलब क्रिया का कथन जिसके लिए हो वाक्य में आ जाए उसी के अनुसार से वाच्य का गठन होता है। आइए अब एक एक को देखेंगे और पहचानेंगे कैसे, अब इस विषय पे आते हैं, ठीक है। कर्तृवाच अर्थात जब क्रिया कर्ता के अनुसार आए, जब क्रिया कर्ता के अनुसार आए तब ऐसे जो वाक्य होते हैं दोस्तों वो कर्तृवाच वाले होते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, और माँ खाना पकाती। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों दो वाक्य है, एक पर राम पुस्तक पढ़ता है और माँ खाना पकाती है। तो पढ़ता है कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम। आप देख सकते हैं राम क्या है, पुल्लिंग का शब्द है, तो यहां पर क्रिया भी पुल्लिंग के अनुसार आई। आप यहां पर देख सकते हैं कि मां क्या है आपका, स्त्रीलिंग का शब्द है, इसीलिए यहां पर पकाने की क्रिया भी किसके लिए आई, स्त्रीलिंग के लिए आई, ठीक है दोस्तों। यानी ठीक है, जब क्रिया स्त्रीलिंग की होगी तो जब कर्ता स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की, जब कर्ता पुल्लिंग का है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। अब दोस्तों बात यह आती है कि आप पहचानेंगे कैसे कि वाक्य में दिए हुए शब्द में जो शब्द दिया हुआ है यहां पर राम कर्ता के रूप में है कि नहीं, हम ये कैसे पहचानें। एक बार एक क्लास में एक बच्चे ने मुझसे, ऑफलाइन में क्लास पढ़ा रहा था, उसमें एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जैसे कि ठीक है, तो सर जैसे कि हम कैसे पहचाने, हम ये बात कैसे पहचाने कि यहां पे जो दिया हुआ वाक्य है शब्द राम है, कर्ता ही है, कुछ और नहीं है, या हम ये कैसे पहचाने कि यहां पर जो मां दिया है शब्द ये कर्ता है कि कुछ और नहीं। दोस्तों आप लोगों ने जानते, आप लोग जानते होंगे कि वाक्य निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से आंग्ल भाषा में वाक्य निर्माण की प्रक्रिया होती है उसी तरह से हिंदी में भी वाक्य निर्माण की प्रक्रिया होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। आपने आंग्ल भाषा में एक स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, आपने आंग्ल भाषा में एक स्ट्रक्चर देखा है, क्लास की टाइम क्या सर, वो आपको सुनिश्चित है एकदम लगातार कंटिन्यू क्लासेस आपकी चलती रहेगी। सर टीजीटी की वैकेंसी कब आएगी, अब देखिए चयन बोर्ड है, जल्दी से ही जल्दी आ जाएगी, अभी तो आप 2016 के लिए तैयारी पर जुट जाइए, वो नजदीक ही है टीजीटी की वैकेंसी, लेकिन अभी जो आपके समक्ष परीक्षा, जो सन्निकट परीक्षा है, सामने परीक्षा है, आप उसी परीक्षा को देखिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि अगर सामने जो उद्देश्य खड़ा होगा तो सबसे पहले उसी पर पूरा फोकस कर देना चाहिए, जो फिर बाद में आए, या तो आप अनवरत उसकी तैयारी कर रहे हो तब तो ठीक है, टीजीटी की ही तैयारी केवल कर रहे हैं तब बढ़िया, आप केवल टीजीटी की तैयारी कर, बीच में मंडी परिषद आ गया, मंडी परिषद की परीक्षा हमने दिन चले जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सामने जो आपका परीक्षा केंद्र उद्देश्य है आपका पूरा का पूरा उसी पे मोटो ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, निश्चित ही आप तुरंत सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। आइए तो हम चर्चा कर रहे थे कि शब्द में, तो कारक में भी हमारे हिंदी व्याकरण में भी कारक की एक वाक्य विविधता है, जैसे वहां पर आंग्ल भाषा में भी स्ट्रक्चर कि पहले आपका अभी तो यही टाइमिंग है आपकी 6 बजे से क्लास चलेगी, आज थोड़ा सा विलंब हो गया, 6 बजे से क्लास आपकी चलेगी, ठीक है, ठीक, या 5 बजे से 6, 5 या 6 से क्लास आपकी चलेगी, ठीक है दोस्तों। आइए विषय पे आते हैं सीधे, तो चलिए आते सीधे विषय पर, तो जिस प्रकार से आंग्ल भाषा में आपके वाक्य निर्माण की प्रक्रिया होती है,
अंग्ल भाषा में वाक्य निर्माण की प्रक्रिया होती है, आपने देखा होगा वाक्य बनाते हैं हम, बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर मेन वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, देन आफ्टर अदर, फिर फुल स्टॉप, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे हिंदी में भी होता है। सबसे पहले आपका कर्ता आता है, फिर अधिकरण कारक वाला वाक्य शब्द आ जाता है, फिर आपका अपादान वाला शब्द आ जाता है, फिर संप्रदान वाला शब्द आता है, फिर करण वाला शब्द आ जाता है, और फिर अंत में कर्म, और तब जाकर के अंत में क्रिया आती है। जी हाँ, अभी तो डेली चलेगी एकदम, ठीक है, फिर अंत में क्रिया आ जाती है, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब अक्सर हम लोग गड़बड़ कर डालते हैं, हम लोग कभी कभी करण को बात में से, मैंने कुत्ते को डंडे से मारा, हम लोग ऐसे वाक्य बोलते हैं, जबकि गलत, मैंने डंडे से कुत्ते को मारा, करण पहले होगा, कर्म बाद होगा, कर्म सदैव क्रिया से ठीक पहले होता है, जबकि करण आपका कर्म के पहले होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखना है कि यहां पर जो शब्द है ये किस कारक ही रूप में है। आपने देखा कि इसमें कोई परसर नहीं लगा हुआ है, अब कोई परसर नहीं लगा हुआ है तो अब कौन कौन दशाओं पे कोई परसर नहीं लगता, तो कर्ता एक ऐसा कारक है जिसमें यदि क्रिया वर्तमान काल की हो और भविष्य काल की हो तब ऐसी दशा में वहां पर ने परसर का प्रयोग नहीं होता। और आप यहां पर देख सकते हैं कर्ता दोनों वर्तमान काल की क्रिया है, इसीलिए यहां पर कोई परसर नहीं लगता, ठीक दोस्तों। चलो दोस्तों, लाइक जरूर करते जाइएगा, आपकी संख्या को देखते हो आपकी लाइक भी उतनी ही बनती है, ठीक है, शेयर भी करिए जितनी जितनी शीघ्र सीख, आप अपने दोस्तों को भी बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। इक्वल मल्टी पर्सन का तो टाइम है, लेकिन इसके अलावा आप कहीं पर भी जहां पर भी वाच आएगा आप देखेंगे आज एक दिवसीय परीक्षाओं में वाच हर जगह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बात नहीं कह रहा था, तो आपने देखा कि यहां पर कोई ने परसर भी नहीं है, ये क्रिया को करने वाला भी है, क्रिया भी इसी के अनुसार आई, ये कर्ता हो गया, ठीक, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपका कर्तृवाच है, ठीक है दोस्तों। आइए इसके बाद दूसरा चलते हैं आपको कर्मवाच में। आइए सीधे कर्मवाच्य पे आते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य की चलेंगे, कर्मवाच्य की बात करेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो कर्मवाच्य यानी जब क्रिया का कथन कर्म के लिए हो, किसके लिए हो दोस्तों, कर्म के लिए हो, जब क्रिया का कथन किसके लिए हो, कर्म के लिए हो, तब वहां पर क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। अब दोस्तों अगर मुझे ये बताओ कि ऐसी दशा पे क्रिया आपकी सकर्मक होगी कि अकर्मक होगी, तुरंत फटाफट जवाब दे आप सब, तुरंत शीघ्र शीघ्र जवाब दे कि ऐसी दशा में यानी कर्मवाच्य में जो क्रियाएं होंगी वो सकर्मक क्रियाएं होंगी कि अकर्मक क्रियाएं होंगी, आपके जवाब की प्रतीक्षा में मैं, तुरंत शीघ्र शीघ्र जवाब आना चाहिए, तुरंत जवाब दे सभी लोग, मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही, कि ऐसी दशा में यानी कर्मवाच्य में यानी जब क्रिया का कथन कर्म के लिए हो तब वहां पर क्रिया किसके अनुसार, मतलब सकर्मक क्रिया होगी कि अकर्मक क्रिया होगी। प्रतिमा जी ने जवाब दिया सकर्मक क्रिया होगी, बहुत सही जवाब दिया प्रतिमा जी आपने, सकर्मक क्रिया ही होगी, एकदम सही, क्योंकि कर्म क्रिया कथन कर्म के लिए होगा तभी कर्मवाच्य बनेगा। तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यदि क्रिया हमें कर्म दिखाई दे, सकर्मक क्रिया दिखाई दे, तब वहां पर ऐसी क्रियाएं क्या हो जाती है, आपकी कर्मवाच्य की क्रियाएं हो जाती। सबसे पहली बात दोस्तों इसमें है क्या, दो चीज आपको यहां पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट ये कह रहा है इसमें, जरा ध्यान देंगे कि क्रिया कर्म के अनुसार आती, कर्म के अनुसार, ठीक,
अगर कर्म पुल्लिंग का है तो क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी, अगर कर्म स्त्रीलिंग का है तो क्रिया स्त्रीलिंग का हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात कहता है कि कर्ता करण रूप में परिवर्तित हो जाता है, करण रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, बदल जाता है करण में, यानी जो पहले कर्ता था अब किस में हो गया, करण में हो जाता है। ठीक है, आइए वाक्य देखेंगे तब बने। जैसे मैं वही बात ले रहा हूं, अभी मैंने जो आपको कर्मवाची कर्तृवाची में जो वाक्य दिखाया उन्हीं से आपको अभ्यासित भी करा रहा हूं। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये कैसा है दोस्तों, कर्तृवाची का वाक्य। ठीक है, इसी को हम कर्मवाची में बदल करके आपको दिखाएंगे। ये यहां पर क्रिया है, ठीक है, क्रिया किसके अनुसार से है, राम के अनुसार से, राम क्या है यहां पर, करता है। ठीक है दोस्तों, क्या है यहां पर, करता है, जबकि पुस्तक क्या है, कर्म, पुस्तक क्या है दोस्तों, कर्म है। ठीक है, ये क्या है, करता है, ये कर्म है और ये क्रिया, ठीक, कर्ता कर्म और क्रिया, क्लियर हुआ आपको ना। चलिए, तो जब हम ये दशाएं देखते हैं तब हम इसको कर्मवाचन पहले क्या करेंगे, कर्ता करण के रूप में आए, यहां पर कर्ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, करण में परिवर्तित हो जाएगा, और जब करण में परिवर्तित होगा तो करण का परसर्ग होता है तो से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा, तो राम चला जाए किसमें, राम के द्वारा, ठीक, राम के द्वारा पुस्तक, अब कर्म क्या है, पुस्तक, ठीक है, अब क्रिया है, क्रिया किसके अनुसार है, कर्म का। अब दोस्तों आपको लिंग प्रधान पता होना चाहिए सदा, ये आप ध्यान रखिएगा, लिंग आपको पता होना चाहिए कि शब्द का लिंग क्या है। अब प्रश्न यह आता है कि लिंग की पहचान कैसे करेंगे, दोस्तों तुरंत फटाफट आपको बता रहा हूं लिंग की पहचान कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, बस दो तरीके, दो पॉइंट आप देखेंगे, आप किसी भी शब्द का लिंग आपको पहचानना हो उस शब्द के पहले विशेषण लगा के देख लो। अब अगर विशेषण स्त्रीलिंग का लगा हो, लगनी का प्रयोग हो रहा हो वाक्य में प्रयोग हो रहा हो, तब वहां पर वो स्त्रीलिंग आपका स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा, और अगर पुल्लिंग का विशेषण प्रयोग हो रहा हो तब आपका वहां पर वो पुल्लिंग का शब्द हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों जिन पे हम विशेषण नहीं लगा पाते हैं, तब ऐसी दशाओं से उस शब्द से संबंधित एक वाक्य बना लें, और अगर वाक्य की क्रिया आपकी स्त्रीलिंग वाची दिखाई दे तब ऐसा शब्द स्त्रीलिंग का हो जाता है, और अगर वाक्य की उस वाक्य क्रिया पुल्लिंग की दिखाई दे तब ऐसा शब्द पुल्लिंग का हो जाता है, बहुत ही आसान है। अब पुस्तक में पुस्तक कौन सा लिंग हो, पुस्तक कौन सा लिंग हो दोस्तों बताओ, फटाफट बताओ, जवाब दीजिए तुरंत, शीघ्र सीख दीजिए। पुस्तक, मैंने बताया ना, पुस्तक के पहले एक विशेषण लगाओ, आपने कैसे पुस्तक, कैसी पुस्तक खरीदी, आपने कैसी पुस्तक खरीदी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, उत्तर बताओ, बताइए उत्तर फटाफट, शीघ्र बताइए। हाँ, ये यूपीपिक में भी आपका काम चल जाएगा, आप पढ़िए, इसमें भी काम देगा, शीघ्र सीख बताए, फटाफट बताए, मैंने प्रश्न किया आपने पुस्तक कैसी पुस्तक खरीदी, हमारे दोस्त पुस्तक, आपने अपने दोस्त से पूछा कैसी पुस्तक खरीदी, दोस्त बोलेगा सर मैंने बहुत अच्छी पुस्तक खरीदी, ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक खरीदी। अब अच्छी शब्द से क्या होता है दोस्तों, अच्छी शब्द विशेषण होता है स्त्रीलिंग के लिए, तो शब्द क्या बनेगा, स्त्रीलिंग का विशेषण बना, और क्या पुस्तक खरीदी, क्रिया भी दे रहे, पुस्तक खरीदा नहीं बनता, क्या होता है, पुस्तक खरीदी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपकी होती है, अच्छी पुस्तक, बहुत सुंदर, नेहा जी ने जवाब दिया बहुत सुंदर, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है,
राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, पूरा वाक्य आपका यहां पर आ जाता है। बात स्पष्ट हो रही है ना, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। आइए दूसरा वाक्य और एक वाक्य देख लें। ये तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ ही वाक्यों का आपको अभ्यास करा रहा हूं, फिर अभी जब आपको चैप्टर वाइज चैप्टर अभ्यास कराएंगे हम आपको ऑफलाइन क्लासेस पे, चैप्टर वाइज चैप्टर अभ्यास होंगे आपको दिए जाएंगे, तो उस समय आपको बहुत सारे उदाहरण, आपको कम से कम 10 से 15 उदाहरण एक एक टॉपिक के, एक कर्तृवाची कम से कम 10-15 उदाहरण, भाववाची के 10 से 15 उदाहरण, ये सारी चीजें आपकी वहां पर होगी, ठीक है दोस्तों। हाँ, सुपर टेट वाली भी क्लास होगी, इसके लिए आपको संस्था के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए, सर से कॉन्टेक्ट करिए, तुरंत आपको सारी सूचनाएं वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। आइए जैसे माँ ने खाना पकाया, ठीक है, माँ ने खाना पकाया या माँ ने खाना पकाई, पकाई तो बनता नहीं, पकाया से बनेगा पुल्लिंग में, ठीक है, माँ ने खाना पकाया, ठीक। अब अगर इस वाक्य का हमको बनाना पड़ेगा तो ये करता है, इसको हमको करण में बदलेंगे तो आ जाएगा मां के द्वारा, ठीक है, कर्म क्या है, खाना। अच्छा अब दोस्तों बताइए, खाना है, ठीक। अब खाना शब्द है, ये किसका है, किस लिंग का है, पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का, फटाफट शीघ्र से जवाब दे दोस्तों, शीघ्र से शीघ्र जवाब दे, खाना शब्द क्या है, पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है। मैंने अच्छा खाना बनाया, मैंने अच्छी खाना बनाया, वाक्य होता है अच्छा खाना बनाया, जैसे अच्छा शब्द आया तो पुल्लिंग का गया, तो शब्द क्या हो गया, खाना पुल्लिंग का है, तो मां के द्वारा खाना पकाया गया, ठीक है। क्रिया यहां भूतकाल की थी, इसलिए यहां पर भी क्रिया भूतकाल की आ गई, काल परिवर्तन नहीं होता, केवल कर्ता के और कर्म के अनुसार से क्रिया का लिंग परिवर्तन हो जाता है। कितना देखिए, कितना आसान, कितना सटीक तरीका, ट्रिक बताया मैंने आपको कि आप किसी भी शब्द में लिंग की पहचान कैसे कर सकते, कितना आसान सटीक। बाकी नियमों में तो बहुत सारे जटिलता है, बहुत सारे नियम है कि हम चर्चा आगे करेंगे जब मैं आपको लिंग आदि पढ़ाऊंगा टॉपिक, ठीक है दोस्तों। आइए तो इस प्रकार से हम शब्दों को कर्मवाची, कर्तृवाच और कर्मवाच में हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों भाववाच। आइए तो आप पहचान जाए दोस्तों कि कैसे आप शब्द में कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे, शब्द में आप देखेंगे कर्ता आपका कर्ण कारक के रूप में हो, पहली बात देखेंगे आप, दूसरा देखेंगे क्रिया कर्म के अनुसार आई हो, क्रिया का लिंग विधान कैसा हो, कर्म के अनुसार से, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आइए भाववाच्य, इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग भाववाच्य की। भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया का कथन, क्रिया का कथन भाव के लिए हो, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रायः अकर्मक क्रियाएं, इसमें क्या होता है, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे, ठीक है। अब देखिए वह हंसता है, ठीक है, वह हंसता है, अब इसमें क्या बनेगा, उससे, वह का कर्ण कारक के रूप बनेगा क्या, उससे। इसमें भी क्या होता है, भाववाच्य में भी कर्ता कर्ण कारक में चला जाता है, ठीक है, और क्रिया भावात्मक प्रधान हो जाती है, ठीक है, उससे हंसा नहीं जाता है, उससे हंसा नहीं जाता है, ठीक, ठीक है दोस्तों। चलिए वह रोता है,
वह रोता है, उससे रोया नहीं जाता है। भाववाच्य में कर्म का की कोई आवश्यकता नहीं, कोई कर्म की आवश्यकता कुछ नहीं होती। इसमें दो चीजें पहचानना होता है, पहला क्रिया अकर्मक होती है और दूसरा क्रिया सदैव पुल्लिंग में होती है। ये चीज ध्यान रखना। आइए जरा देख लीजिए, आइए देखिए आपको इसका उदाहरण आपको दिखा दें। चलिए, जैसे कि राम बैठता है, ठीक है, और सीता बैठती है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों पे क्रिया किसके अनुसार आ रही, कर्ता के अनुसार आ रही, तो वाक्य क्या हो गए, दोनों कर्तृवाच्य के हो गए। किसके हो गए, कर्तृवाच्य के। अब इनको बदलना किसमें है, भाववाच्य। अब राम से क्या होगा, राम से बैठा नहीं जाता है, ठीक है, और सीता से बैठा नहीं जाता है, सीता से बैठा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर यह देख सकते हैं, यहां पर आपने देखा कर्तृवाच्य में कि क्रिया क्या है, कर्ता के अनुसार आ रही। क्रिया जब पुल्लिंग की थी तो सॉरी, कर्ता जब पुल्लिंग का था तो क्रिया पुल्लिंग की हो गई, कर्ता जब स्त्रीलिंग की था तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो गई। और इधर भी क्या हो गया कि जब कर्ता आपका पुल्लिंग का था तो क्रिया पुल्लिंग की हो गई, लेकिन आपने भाववाच्य में देखा कि कर्ता स्त्रीलिंग का है तब भी क्रिया की पुल्लिंग की है। यानी कर्ता कुछ भी हो, स्त्रीलिंग का हो या पुल्लिंग का हो, क्रिया आपकी पुल्लिंग की ही होगी। तो इस तरह से आप भाववाच्य में यह देख सकते हैं कि क्रिया, जब क्रिया आपकी कैसी है, चाहे पुल्लिंग की हो और चाहे स्त्रीलिंग की हो, आप सॉरी, कर्ता चाहे पुल्लिंग का हो चाहे स्त्रीलिंग का हो, क्रिया सदैव अकर्मक और पुल्लिंग की ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों कुछ प्रश्न, मैंने कुछ वाक्य मैंने आपके सामने लिए और आपको उनका वाच्य विधान बताया, वाच्य क्या होता है, वाच्य की विधान व्यवस्था क्या है, वो सारी चर्चा मैंने आपके समक्ष की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष, कुछ नए उदाहरण, नए टॉपिक, एक नई व्यवस्था के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों। लाइक जरूर करिएगा